खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां जय सिंहपुर कोदारी क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी राम सुख हरिजन पुत्र राम खिलाड़ी जो प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं, वह खुद को हाईकोर्ट का वकील भी बताते हैं। उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के रामनाथपुर निवासी एक दलित को गुमराह करके लाखों रुपए उसके बैंक खाते से अपनी पत्नी व भौजाई के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दिया। पीड़ित दलित कई महीने से रामसुख के यहाँ रुपए वापसी के चक्कर लगाता रहा। जब रामसुख ने रुपया वापस नहीं किया तो पीड़ित दलित कोर्ट की शरण में पहुंचा, जहां साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने रामसुख के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान जांच अधिकारी चौकी इंचार्ज सेमरी उमाकांत शुक्ला ने सारे बिंदुओं की जांच कर रामसुख, उनकी पत्नी व उनकी भौजाई को दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी, जहां 5 दिसंबर को अपराध संख्या 91/20 धारा 419-420 आईपीसी में सुल्तानपुर दीवारी न्यायालय ने रामसुख मालती व विमला को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामसुख खुद को हाईकोर्ट का अधिवक्ता भी बताता है, वह उसी दम पर स्थानीय लोगों पर रोब झाड़ता रहता है। सुल्तानपुर जनपद से प्रमोद कुमार पांडे की रिपोर्ट।